امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان با شما عزیزان هستیم. با من همراه. سال 1795 هندوستان. انگلیس به عنوان یک شرکت تجاری با نام کمپانی به هند اومد، اما حالا بر ما حکومت میکنن. اونا سرزمین های مختلف رو یک به یک تصاحب کردن. آشنایی जान के ससुरैया जान लेगी। رقابت نداره. آینا کارم ساختم. آینا خواهش میکنم. دینم بهم یاد داده ممکنه دشمنم باشی. دنگ مچے شور مچے خلے جب تک نہ ڈھٹے رات جشن کر لے ہم ہے ہوتی بھی اکڑوں کی دوپہر بھی شام ہے. इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए. स्पेशलिस्ट? यस सर. राधे अभी तो सिर्फ 3 इंच घुसाया है. अगर अब कोई आगे बढ़ा तो उसके ब्लैडर की जगह फेफड़ा होगा और लिवर की जगह किडनी. शहर में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है. वी हैव टू गेट दिस स्टॉप. आई लव इट. तुम्हें पुलिस का जॉब सूट नहीं करता. पुलिस की नौकरी है, गिरफ्तार तो करना पड़ेगा. मुजरिम हूँ, जान से मारना पड़ेगा. वैसे आपका नाम क्या है? दिया. किसने रखा? मेरे भैया ने. जब कभी मेरी बहन होगी तो मैं उसका नाम नादिया रखूंगा. नादिया. तो मेरी बहन का पीछा कर रहा है? बिल्कुल नहीं सर. इनकाउंटर में मार दूंगा. तुम्हारे 10वीं पास होने से पहले या तो वो जेल के अंदर होंगे या जमीन के अंदर. सारे लोग साला बोले मुझे वांट है, उससे मोहब्बत थोड़ी वांट है. राधे 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 राधे. ईद मुबारक. वो हमसे ज्यादा समझदार है. They're so emotional, sentimental, very caring. सुन, ये इलाका नो डेवलपमेंट जोन है, रिजर्व फॉरेस्ट, यहाँ इंसानों का आना मना है. मैं जगन्नाथ सेवक ईश्वर की शपथ लेता हूँ. क्या सारा आते दादाजी का दोस्त है? हाँ बेटा. मेरा जंगल है। कल से हम टाउनशिप के चारों तरफ 7 किलोमीटर की दीवार खड़ी करने जा रहे हैं, जिससे जंगली हाथी अंदर नहीं आ पाएंगे। जा, हमेशा खुश रहे। इसको बर्बाद तुम कर रहे हो। माफ करना पर मैं गद्दार नहीं हूँ जैसा तुम समझते हो। नहीं नहीं, तुम गद्दार नहीं, तुम तो उससे भी बदतर हो। एवरी टाइम फाइटिंग क्रेजी ह्यूमंस। सर, इस इशू पे डिटेल्ड इंटरव्यू मिल सकता है? हाथियों के घर में इंसानों की घुसपैठ। यू हैव गॉट टू पुट हेडलाइन लाइक दिस। दैट वाज अ गुड हेडलाइन। పొగరు ఎగిరే జెండా వాడి ధైర్యం చీకట్లని చీల్చే మందు పెంట వాడు కనపడితే సముద్రాలు తడబడతాయి, నిలబడితే సామ్రాజ్యాలు సాగిలపడతాయి. వాడు భూతల్లి చనుబాలు తాగిన మన్యం ముత్తు బిడ్డ. నా తమ్ముడు గోండు బెబ్బులి.